नमस्कार मु तपस्विनी प्रिय दर्शक बंधु जीवंत आहार को पुनर्बार आपण मानक स्वागत जनाए आसंतु आज ध्यान निमंते पवित्र शास्त्र बाइबल एफिसियो पुस्तक 4 अध्याय 25 पदरु 32 पद पर्यंत पाठ करिबा। आज मुख्य प्रसंग आम नूतन स्वभावर फल। एठार एपरी लेखा जाए, अते मिथ्या परित्याग करी तुम्हें माने प्रत्येक जन आपणा प्रतिवासी सहित सत्य आलाप कर, कारण आम्भे माने परस्पर अंग प्रत्यंग। क्रोध हेले पाप कर नाही, सूर्य अस्त न हेणु क्रोध परित्याग कर, पुणी शयतान को स्थान दियो नाही, चोर आउ चोरी न करु, बरंच अभावग्रस्त लोक को दान करिबा निमन्ते जेपरी ताहा पाखरे किछि थाई पारे, एथि निमन्ते निज हातरे उत्तम कार्य करी परिश्रम करु। तुम्हमानंक मुखरु कौनसी कुवाक्य निर्गत न हेउ, बरंच आवश्यकता अनुसारे निष्ठाजनक वाक्य निर्गत हेउ, जेपरी ताहा श्रोतामानंक अनुग्रह पक्षरे हितजनक हुए। आउ ईश्वरंक जेउ पवित्र आत्मांक द्वारा तुम्हेमाने मुक्ति दिवस निमन्ते मुद्रांकित होइअछ, ताहांकु दुःख दियो नाही। समस्त प्रकार कटुभाव, राग, क्रोध, कलह और निंदा, पुणी समस्त प्रकार हिंसा तुम्हमानक ठारु दूर हेउ। आउ परस्पर प्रति सदय हुओ, कोमल हृदय हुओ। पुणी ईश्वर ख्रीष्टंक ठारे तुम्हमानकु जेपरि क्षमा कले, सेहिपरि तुम्हेमाने परस्परकु क्षमा कर। आसंतु एही पठित अंशकु आम्भेमाने बुझिबा निमते चेष्टा करिबा। मंडळीर एकताकु बजाय रखिबा निमते एक समर्पित जीवन ही हेउछि ईश्वरंक आह्वानर योग्य जीवन। एही एकताकु हासल करिबा निमते पाउल आवश्यकीय कार्यगुडाकर निर्दिष्ट उदाहरण ओ आचरण गुड़िक विषय रे एठारे व्याख्या करती। प्रथमत विश्वासी माने परस्पर सहित सत्य आलाप करिबा सहित क्रोध को शीघ्र परित्याग करिबा उचित। यह आम्भे 25 पदरु 27 पद मध्य देखुअछु। विश्वासी माने अन्य मानक निष्ठाजनक वाक्य व्यवहार करिबा परस्पर को गठन करिबा सहित राग क्रोध कटुवाक्य ओ हिंसारु दूरेइ रहिबा आवश्यक। विश्वासी माने परस्पर प्रति दयालु सहानुभूतिशील ओ क्षमाशील हेबा द्वारा एक शरीर भावरे रहिबा निमते चेष्टा बा संघर्ष करिबा उचित। एहा आम्भे 28 पदरु 32 पद मध्यरे देखुअछु। आजिर शास्त्रांशरे ईश्वर आम्भमानंकु कोण शिखेइबाकु चाहन्ति, आसतु ताहा आम्भे माने शिखिबा एवं आपणा आपणा जीवनरे ताहाकु प्रयोग करिबा। 25 पद पाउल सत्यकु नूतन लोकमानंकर प्रथम गुण भावरे उल्लेख करन्ति। जेहेतु छळना बा मिथ्या विश्वास तथा भरोसाकु नष्ट करे, दलभेद सृष्टि करे ओ संप्रदायकु सर्वनाश आडकु घेनि जाए। आमे आमर वाक्य ओ कार्य द्वारा मंडळीकु गढ़िबा परिवर्ते विभाजित करूनाहुँ त? आसंतु निज निजकु अनुसंधान करि देखिबा। सत्य हेउछि वास्तव आत्मिक वस्त्र, जहाकु मिथ्यार जनक तथा मिथ्यावादी मानकर पिता बा शैतान ओ सेमानक पुरातन स्वभावकु धरि रखिथिबा लोकमाने परिधान करिपारन्ति नाही। 26 रु 27 पद एहिपरि कुहे, आमे जेतेबेळे क्रोधकु हृदयरे स्थान देउ, आमे आमकु आक्रमण करिबा निमते शैतानकु सुजोग देउछु। क्रोध आममानकु एकत्र बांधिथिबा बंधनकु खोलि दिए आउ सेही फाट देइ शैतान प्रवेश करे। आपण क्रोधकु किपरि नियंत्रण करूछन्ति? आमे क्रोधकु पाप कराइबा पई सुजोग न देबा निमते जत्न करिबा उचित। क्रोधकु हृदयरे दीर्घ समय धरि न रखिबा पई बुद्धिर सहित नियंत्रण करिबा निमते प्राणपण करिबा उचित। आजिर ध्यानरे ईश्वर आम प्रत्येकंकु आशीर्वाद करन्तु। आसन्तु आम्हे माने प्रार्थना करिबा। धन्यवाद प्रभु आजिर वाक्य निमते, तुमे जे पवित्र ओ दयावान परमेश्वरट। प्रिय प्रभु, समस्त मन्दकु परित्याग करि तुम्हे तुम्हठारे भरोसा रखि जीवन बञ्चिबा निमते आम प्रत्येकंकु साहाय्य करन्तु। प्रिय प्रभु जे सुख्रीष्टंक मधुर ओ पवित्र नामरे प्रार्थना मागुछि, आमेन।